फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज पर्ल कल्चर। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस तक हमने सेरिकल्चर फिनिश किया था एंड आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है पर्ल कल्चर, जिसमें इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और कुछ मॉलस्क वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोज में हम उसकी फर्दर प्रोसेसेस और उसके एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलस्क्स आर फाउंड ऑन द अर्थ एंड आर यूज्ड फॉर फूड, फॉर शेल्स एंड इन द पर्ल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज नंबर ऑफ मॉलस्क, अब पर्ल कहाँ से आते हैं तो शायद आपको पता होगा, मॉलस्का। सो मॉलस्क क्या है? एक क्लास है किसकी? एनिमेलिया। ग्रुप जो है एनिमल्स में आते हैं मॉलस्का, जिनमें आते हैं शेल लाइक एनिमल्स जो होते हैं, शेल फिशेस जो होती हैं वो मॉलस्का में आते हैं, और जितने भी पर्ल जो होते हैं वो मॉलस्क फिशेस जो होती हैं उन्हीं से ही तो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिसे हम हिंदी में सीप बोलते हैं, उनमें से ही पर्ल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, निकलते हैं, उनमें उनका फॉर्मेशन ही उन मॉलस्का, उन शेल्स में होता है। सो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ मॉलस्का हैं, मॉलस्क ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी अर्थ पर, जो किस लिए यूज में होते हैं? फूड, एज अ फूड भी यूज होता है, देन शेल्स के लिए भी यूज करते हैं, और पर्ल इंडस्ट्रीज में भी उनका यूज होता है। सो पर्ल इंडस्ट्रीज मीन्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पर्ल्स। नाउ पर्ल इज अ वाइट हाईली शाइनिंग ग्लोबुलर कंसेंट्रेशन फाउंड विद इन द शेल ऑफ एन ओस्टर। अब ओस्टर वर्ड आप पूरे पर्ल कल्चर में ओस्टर वर्ड ही पढ़ोगे बार बार। सो ओस्टर मीन्स क्या होता है? शेल फिश। जो शेल फिश होती है जहां से हम पर्ल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे ओस्टर्स बोलते हैं, ओस्टर। तो पर्ल क्या होता है? एक वाइट हाईली शाइनिंग ग्लोबुलर पार्ट होता है, गोल एकदम, और कंक्रीशन फाउंड होता है, कंक्रीशन है, इट मीन्स ग्लोबुलर कंक्रीशन, मतलब ऐसा क्रिएशन है ग्लोबुलर, जिसे हम पर्ल कहते हैं, वाइट और हाईली शाइनिंग, जो कहां मिलता है? शेल्स में, ओस्टर्स के शेल में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोती और मुक्ता फल एंड हैज बीन रेप्यूटेड एज वन ऑफ द रेयरेस्ट जेम्स। सो अलग अलग जेम्स होते हैं, डायमंड्स, पर्ल्स, रूबी, ये सब जेम्स में आते हैं। सो जो पर्ल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोती, और मुक्ता फल भी कहा जाता है, जो ये रेयरेस्ट जेम्स जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं उनमें एक है। अब हिस्ट्री जो है, इसकी हिस्ट्री में क्या है, इट मीन्स इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पर्ल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ पर्ल इंडस्ट्री वॉज इवॉक्ड इन जापान, कोकिची मिकिमोतो 1858 से 1954 इज रेफर्ड टू द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री इन जापान। सो सबसे पहले जो पर्ल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी फर्स्ट टाइम, जो किसके थ्रू हुई थी? कोकिची मिकिमोतो, जिसे फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहा जाता है जापान में। अब क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये जस्ट एक स्टोरी है और एज अ स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, और अगर एग्जाम में पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, सो आपको वो पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स लिखने की जरूरत है जो मैंने लिख रखे नोट्स में। ओके, सो एक्चुअल में क्या हुआ था कि वहाँ एग्जीबिशन होता था पहले टाइम में, आज भी एग्जीबिशंस होते हैं, साइंटिफिक साइंटिस्ट बड़े बड़े आते हैं, अपने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स को शो करते हैं। सो पहले जो होते थे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि जो 19th सेंचुरी जो थी उस टाइम पे फ्रेंड्स, मतलब हमारा जो वर्ल्ड था वो जो ये साइंटिफिक रिसर्च के मामले में बहुत अलग था, इट मीन्स हर दिन कुछ ना कुछ नया रिसर्च हो रहा है, नई नई चीज़ें बाहर आ रही है। तो बहुत सारे एग्जीबिशंस ऐसे हुए थे जिसमें कोकिची मिकिमोतो भी गए थे, जिसमें उन्होंने देखा था उस पूरे एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा जो जिसकी खरीदारी हुई है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की सेलिंग्स हुई थी, तो वो कौन थी? पर्ल हुई थी, और वो भी सबसे ज़्यादा महंगी। तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि पर्ल होता क्या है। सो पहली बार जब उन्होंने पर्ल देखे तो वो पर्ल क्या थे? वो नॉर्मली थे, इट मीन्स नॉर्मल मीन्स जो ओरिजिनल नेचुरल पर्ल्स होते हैं, जो शेल फिश से एक्सट्रैक्ट करके निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सो उन्होंने कहीं से लोग आए होंगे, हम जापान की बात करें, स्टार्टिंग की इंडस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंसर्शन न्यूक्लियस का करके, इट मीन्स जो हम फर्दर वीडियोज में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, कि कैसे आर्टिफिशियली भी हम पर्ल एक्सट्रैक्ट करवा सकते ओस्टर्स से। सो ये नेचुरल पर्ल्स थे जो शायद कोई दूसरे साइंटिस्ट लाए थे, उन्हें कहीं से मिला होगा, शेल से, सीप से, या कहीं से भी, तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि बहुत
हायर हाई सेलिंग्स पे ये इनकी जो हुई है बिक्री हुई है. सो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मुझे भी इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि पर्ल्स होते क्या. सो इन 1890 ही एस्टैब्लिश्ड अ पर्ल फ्रॉम एंड स्मॉल आइलैंड ऑफ टाबा एंड बिगेन टू कल्चर ओस्टर्स बट कुड नॉट गेट सक्सेस फॉर 2 ईयर्स. अब उन्होंने क्या किया, 1890 में वो और उनकी वाइफ दोनों हस्बैंड वाइफ वो दोनों एक टाबा आइलैंड पे चले गए क्योंकि ऑब्वियसली शेल्स है तो उन्हें कोस्टल एरियाज पे जाना है. और वहां जाकर उन्होंने ओस्टर्स का कल्चर स्टार्ट किया. इट मींस उन्होंने शेल्स पकड़े होंगे. ओस्टर्स का कल्चर मींस क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक हमने सेरिकल्चर भी पढ़ा है, ऐसे बहुत अलग अलग कल्चर्स होते हैं. हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें प्लांट्स फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. देन लैक कल्चर होता है, लैक इंडस्ट्री जिसमें लाख जो होता है लाख की चूड़ियाँ होती है, आपकी मम्मा से पूछना वो पढ़ती वो पहनती होंगी. सो जो लैक इंडस्ट्री होती है ऐसे पर्ल कल्चर भी होता है जिसमें पर्ल्स का होता है. एपी कल्चर होता है जिसमें हनी बीज को फीडिंग करते हैं और हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो वैसे ही पर्ल उन्होंने ओस्टर्स का कल्चर स्टार्ट किया. इट मीन्स उन्होंने शेल्स पकड़े वहाँ से और उनका उनको फीड करके उनसे 2 साल तक उन्होंने ट्राई किया कि उनसे मोती कैसे निकले, उनमें से मोती जो है पर्ल्स एक्सट्रैक्ट करने की उन्होंने कोशिश की. बट उन्हें 2 साल तक कोई भी सक्सेस नहीं मिली क्योंकि वो जैसा सोच रहे थे उन्हें एक भी पर्ल नहीं मिला. नाउ इन द थर्ड ईयर ड्यू टू अ रेड टाइड हिज फार्म वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली एक्सेप्ट फॉर अ बैच ऑफ सम ओस्टर्स विच सर्वाइव्ड. अब रेड टाइड, सो रेड टाइड आपने सुना होगा क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाता है पूरे समुद्र का, सीज ओशियंस का, किसी भी एरिया का. और इट मींस पूरे ओशियन नहीं होगा, पूरा ओशियन तो बहुत बड़ा होता है बट आइलैंड के चारों तरफ जो ओशियन का जो पार्ट है उस एरिया में पूरा डिस्कलरेशन होता है तो उसे रेड टाइड्स बोलते हैं. तो उसकी वजह से उनका पूरा फार्म डिस्ट्रॉय हो गया. सो फ्रेंड्स ये फार्म वो नहीं है जहाँ ये जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, वो फार्म नहीं है. ये फार्म का मतलब होता है ओस्टर्स का फार्म मीन्स आप समझना जो वाटर एरिया होता है जहाँ वो स्पेशली थोड़े क्या करते हैं बाउंड्रीज बना लेते हैं और उसे और उस जगह पे ओस्टर्स की फीडिंग कराते हैं, उस जगह पे ओस्टर्स को रखते हैं. ओके, वो पानी के अंदर ही होता है फार्म. सो रेड टाइड्स की वजह से वो पूरा फार्म डिस्ट्रॉय हो गया. केवल एक बैच बचा था ओस्टर्स का, जो उन्होंने ओस्टर्स पकड़े थे उन दोनों दोनों ने, उनकी वाइफ और उन्होंने, वो ओस्टर्स के कुछ कुछ बैच बच गए. इट मींस कुछ ओस्टर्स शेल्स बच गए जो बच गए जिनके बाद On 11th July 1893, his wife Uma went opened an oyster shell. She found a pearl duli formed in it. And then 11th July 1893 में उनकी wife Uma ने इस red tide के बाद बहुत बाद में उन्होंने एक oyster shell को open करके देखा. So उन्होंने pearl duli, duli means दो pearl. हम आगे पढ़ेंगे कैसे उसका body होती है, जो shell जो mollusk होती है. So उसकी mollusk cast जो होते हैं organism, so pearl duli उनको form हुए मिले. पहले 2 साल तक तो उन्हें कोई पर्ल्स नहीं मिले बट इस थर्ड ईयर में रेड टाइड के बाद उन्हें उन जो बैच बच गया था पर्ल्स का, सॉरी मॉलस्का का, ओस्टर्स का, उनमें से उन्हें पर्ल मिला एक में. ठीक है, नाउ देन इन 1896 ही गॉट अ पेटेंट फॉर पर्ल कल्चर. सो यू मस्ट हैव नोन अबाउट द पेटेंट. पेटेंट जो साइंटिस्ट को कुछ भी रिसर्च या कुछ भी करते हैं तो उन्हें अपना पेटेंट बनवाना पड़ता है. तो सो 1896 में उनको उनका पर्ल कल्चर का पेटेंट मिला. नाउ तोकीची निशिकावा, अ गवर्नमेंट साइंटिस्ट ऑफ मिसाकी मराइन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ टोक्यो यूनिवर्सिटी, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट स्फेरिकल आर्टिफिशियल पर्ल. सो अब हम नेक्स्ट वीडियोज में आर्टिफिशियल पर्ल के बारे में पढ़ने वाले. जो फर्स्ट इंसान, जो फर्स्ट मैन थे वो थे तोकीची निशिकावा, जिन्हें गवर्नमेंट साइंटिस्ट थे एक मिसाकी मराइन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में, टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्फेरिकल आर्टिफिशियल पर्ल पहली बार जिन्होंने बनाया था, ओके, निकाला था, एक्सट्रैक्ट कराया था. सो वो थे तोकीची निशिकावा. ओके, सो ये थी हमारी हिस्ट्री पर्ल कल्चर की, पर्ल्स की, पर्ल इंडस्ट्री की. नाउ नेक्स्ट है पर्ल प्रोड्यूसिंग मॉलस्क. अब पर्ल प्रोड्यूसिंग मॉलस्क कौन कौन से होते हैं. सो हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पर्ल ओस्टर्स ऑफ जीनस पिंटाडा रॉडिंग बिलोंगिंग टू क्लास बिवालिवा एंड फैमिली टेरिडी. सो हाई क्वालिटीज जो पर्ल्स होते हैं वो किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, मोस्टली वो ओस्टर्स उन ओस्टर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं जो किस जीनस के होते हैं, पिंटाडा जीनस के, क्लास बिवालिवा एंड फैमिली टेरिडे से जो बिलोंग करते हैं. उनके सारे मेंबर्स जो हैं पर्ल सॉरी मॉलस्क के वो हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ दिस जीनस लाइक पिंटाडा वल्गैरिस, पिंटाडी कैमनी, पिंटाडा कैमनेट्जी,
Pinctada margaritifera, Pinctada anomoids, and Pinctada atropurpurea are found in Indian water resources. So, ये सारे species जो है Pinctada की, ये सारे हमारे Indian water resources में पाई जाती है, हमें मिल जाती है. But friends, ये जो high quality mollusk का है, वो Japan में जो starting है, जहाँ pearl culture की starting वहाँ हुई है, वहाँ पर ये सारे जो अच्छी quality, high quality of जो pearl producing mollusk के, वो वहाँ नहीं मिलते. So, जो Japan है, उनको इन oysters को import करना पड़ता है, किससे? USA से. Okay, now sea mussel, जिसे हम कहते हैं माइटिलस सी मसल एंड विंडोपेन ओस्टर, जिसे क्या कहते हैं प्लैक्यूना ब्लेसेंटा, प्लैक्यूना मार्गेरिटिफेरा एंड प्लैक्यूना मैक्सिमा आर जायंट स्पीशीज एंड प्रोड्यूस पर्ल्स ऑफ बिगर साइज बट ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. सो ये भी हैं ऐसे मॉलस्क जो पर्ल प्रोड्यूस करते हैं, बट वो इन्फीरियर क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आज का लास्ट स्टेप, वो है पर्ल प्रोड्यूसिंग साइट्स इन इंडिया. इंडिया में पर्ल प्रोड्यूसिंग साइट्स कहाँ हैं? सो मोस्टली द पर्ल ओस्टर्स आर इनहिबिटिंग ऑन द रिजेस ऑफ रॉक्स एंड डेड कॉरल्स. सो मोस्टली जो पर्ल्स प्रोड्यूसिंग जो ओस्टर्स होते हैं, शेल्स होते हैं, वो कहाँ होती है, कहाँ इनहैबिट करते हैं? वो जो रॉक्स के रिजेस, इट मीन्स रॉक्स पे, जो पानी में जो रॉक्स होते हैं उनके कोने में कहीं लग गए, उधर ठहर गए, इट मीन्स वो वहाँ रुक जाते हैं. शेल्स बहाव के साथ कभी बाहर आ जाते हैं, तो कोस्टल एरियाज पे हमें कितने सारे शेल्स मिलते हैं. डेड कोरल्स होते हैं, सो कोरल रीफ्स के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक तरह के कौन है, एनिमल्स हैं ये भी. सो डेड कोरल्स होते हैं, उनके ऊपर भी पर्ल ओस्टर्स मिल जाते हैं मोस्टली. नाउ द पर्ल ओस्टर बेड्स ऑन द ईस्ट कोस्ट आर मोर एक्सटेंसिव एंड प्रोडक्टिव देन दोज ऑफ द वेस्ट कोस्ट. सो हमारे इंडिया में जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक्सटेंसिव ज़्यादा पर्ल ओस्टर्स मिलते हैं, जहाँ की वेस्ट कोस्ट में कम मिलते हैं. नाउ दीज पर्ल बेड्स प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल्स को लिंगा पर्ल, और सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल जो लिंगा पर्ल है, वो ये ईस्टर्न पर्ल बेड्स जो है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. नाउ द पर्ल ओस्टर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम द रीफ्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे, सॉरी ये पाक नहीं है, पाल्क बे है, एंड बरोड़ा. और जो पर्ल ओस्टर्स हैं वो कहाँ से ऑप्टेन होते हैं? एक तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता होगा साउथ में आती है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में. देन गल्फ ऑफ कच्छ, पाल्क बे भी वहीं आता है, पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही है. और बरोड़ा, ऑब्वियसली यू मस्ट नो अबाउट इट. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रोड्यूसिंग पर्ल प्रोड्यूसिंग साइट्स. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पर्ल फॉर्मेशन नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ेंगे. एंड यहाँ हमारा फिनिश हुआ पर्ल कल्चर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और कुछ जनरल उसके फीचर्स. ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.